हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रामकृष्ण और इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपके पास इंची टेप है या दोस्तों आप कहीं ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ पर आपको मेजरमेंट्स बहुत आवश्यकता पड़ती है, इंची टेप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और दोस्तों, ऐसे में होता क्या है कि यदि आपसे इंची टेप देखते नहीं आता है तो दोस्तों कई बार हमसे काम में गड़बड़ी हो जाती है, मिस्टेक हो जाती है ना दोस्तों। इसीलिए आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है, यदि आपको इंची टेप देखना नहीं आता है तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारे पास इंची टेप। ओके, ये देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। तो दोस्तों, इस इंची टेप को हम आज यूज करना सीखेंगे इस वीडियो में। मैं डिटेल में बताने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि मैं आपको जो है रफ में लिख करके थोड़ा सा बताऊंगा कि कौन सा मेजरमेंट, यानी कि 1 फुट में कितने इंच होते हैं और 1 मीटर में कितने फुट होते हैं। तो ये सब चीज़ दोस्तों मैं आपको पहले ही रफ में बता दूंगा, फिर दोस्तों इसमें आपको मैं एग्जाम्पल के माध्यम से, यानी कि इसमें फिर आपको प्रैक्टिकली समझा दूंगा। इससे होगा क्या दोस्तों कि आपको आसानी से सब कुछ डिटेल में समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब मैं इस तरह के लेटेस्ट वीडियो यूट्यूब पर डालूंगा तो आप तक मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएंगी। ओके, तो देखिए 1 फुट में जो है 12 इंच होते हैं, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ होती है आपकी 1 मीटर में 3 फुट व 3 इंच होते हैं, ठीक है। और तीसरा 1 मीटर में 1000 mm होते हैं। ओके दोस्तों, और फिर बात कर लेते हैं इंच की। तो 1 इंच में लगभग 2.54 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि लगभग 2.5 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ओके, 1 इंच। और दोस्तों, 1 इंच में लगभग 25.04 mm होते हैं। ओके, यानी कि 25 mm होते हैं, लगभग 25 mm ही होते हैं दोस्तों। 25 को ही काउंट करते हैं हम, यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर मान लेते हैं, तो ऐसा कुछ मान करके और फिर काम करते रहते हैं। ओके, 19-20 करते रहता है और कुछ नहीं दोस्तों। ये छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। और चलिए फिर मैं आपको इंची टेप में बता देता हूँ एग्जाम्पल के माध्यम से कि आपको जो है कैसे देखना है टेप को और कैसे अपने वस्तुओं को नापना है। ओके, तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात कर लेते हैं इंच के। ओके, कि इंच कौन से हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं ये बड़े नंबर जो लिखे हुए हैं दूर दूर, ये वाले 1, 2, 3, फिर और ये 4, 5, 6। तो दोस्तों ये दूर दूर जो हैं ये आपके इंचेस कहलाते हैं, इंच। ओके, अब दोस्तों मैंने अभी बताया था कि 1 फुट जो 12 इंच में बनता है, तो मैं गिन के यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको। ये देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12 के जो है दोस्तों फिर से जो है यहाँ पर 01 लिख के आगा, मतलब 01 का दोस्तों यहाँ मतलब है कि इस साइड से गिनती आपकी 12 पूछ चुकी है। अब यहाँ से दोस्तों 1 फुट स्टार्ट होगा, यानी कि 1 फुट, फिर यहाँ से आपका जो है दूसरा फुट आ जाएगा। इस देख सकते हैं हम यहाँ से दूसरा फुट है ना, तो मतलब जो फुट है उस पर अलग ही जो ये रेड का निशान बना हुआ है, तो ये फुट हो गया आपका। ओके दोस्तों, अब आपको फुट पता चल गया और इंच भी पता चल गया, क्योंकि दोस्तों ये जो है दूर दूर अंक लिखे हुए हैं ये आपके इंच कहलाते हैं। तो इंच और फुट दो चीज़ आपको पता चल गई, ठीक है ना। अब बात करते हैं कि आपके सेंटीमीटर और मिलीमीटर कौन से हैं दोस्तों। मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई है लंबाई नापने की, तो आप देख सकते हैं जो इस साइड है छोटे अंक की साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके दोस्तों, ये आपके सेंटीमीटर है, क्या है, सेंटीमीटर है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये आपके सेंटीमीटर हैं। अब दोस्तों सेंटीमीटर में होता क्या है, आपके 10 मिलीमीटर आते हैं। कितने मिलीमीटर, 10 मिलीमीटर। तो दोस्तों आपको देख सकते हैं यहाँ पर ये जो छोटे छोटे नंबर्स हैं आप देख सकते हैं गौर से, तो यदि आप इनको 2 और 3 के बीच में जो ये नंबर है, यानी कि लाइन है, जो 2, 3 के बीच में लाइन है, इन्हें आप यदि गिनते हैं तो इनके बीच में केवल 10 लाइन निकलेंगी। तो दोस्तों यदि मैं गिनता हूँ तो आपको हालांकि समझ में नहीं आएगा, फिर भी मैं गिन देता हूँ कि देखिए बड़ी लाइन से हम गिनते हैं बड़ी लाइन तक। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर ये बड़ी लाइन से और ये बड़ी लाइन तक गिनते हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, तो समझिए आपकी जो आपका ये सेंटीमीटर होता है 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो दोस्तों ये सेंटीमीटर आपका 10 मिलीमीटर से बनता है। कितने मिलीमीटर से, 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है।
ओके। अब दोस्तों यहाँ पर आते हैं तो ये आपका 10 सेंटीमीटर हो चुका है। ओके, अब दोस्तों 10 सेंटीमीटर का मतलब है कि 100 मिलीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर तो यहाँ पर आपके 100 मिलीमीटर आ जाएंगे। और दोस्तों यदि आप 20 पर जाते हैं तो यहाँ 20 सेंटीमीटर हो गया, और यहाँ जो इनके मिलीमीटर की काउंट करेंगे तो यहाँ पर आपका जो आ गया 200 मिलीमीटर हो गया। ओके, तो इस तरह से आप जो है मेजरमेंट कर सकते हैं। आपको स्टेप की जानकारी होनी चाहिए और कुछ नहीं। और दोस्तों चलिए फिर हम बात कर लेते हैं स्रोत की। दोस्तों यदि आपके पास ये वाला टेप है जो कि मैं लिए हूँ अभी प्रेजेंट में, तो इसमें एक स्रोत भी होता है, तो आपको मैं स्रोत बता देता हूँ कि स्रोत किसे कहते हैं। तो जो ये बड़े नंबर्स हैं यानी कि इंच वाले नंबर हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। तो देखिए इन पर सबसे छोटी से बड़ी लाइन यानी कि मझली हम कह सकते हैं, तो सबसे छोटी से जो दूसरे नंबर की बड़ी लाइन है 1, 2, 3 और 4, 5, 6, 7, 8। दोस्तों ये 4 सूत होते हैं जो ये वाली लाइन है, आप देख सकते हैं ये वाली लाइन, और फिर ये बड़ी वाली हुई दोस्तों, फिर ये और ये। ओके, तो मतलब कि 8 सूत का भी 1 इंच होता है, 8 सूत का 1 इंच होता है। और दोस्तों आधा इंच हो गया 4 सूत का, तो आप गिन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 4 सूत का 1 इंच हो गया। ओके, दोस्तों इसमें सूत भी होते हैं, इंच भी होते हैं, फुट भी होते हैं। अब दोस्तों सबसे बड़े नंबर की बात कर लेते हैं यानी कि सबसे बड़ी इकाई की जो मीटर होती है नापने की, तो कितने इंच में 1 मीटर बनता है। दोस्तों हम इस टेप को थोड़ा सा खोलेंगे तो देखिए दोस्तों ये 1 फुट हो गया। ओके, और दोस्तों फिर हम लेते हैं यहाँ पर दूसरा फुट, और फिर दोस्तों यहाँ हम देख लेते हैं तीसरा फुट। तो दोस्तों 3 फुट हो गया। ओके, 3 फुट के बाद दोस्तों आपको 3 इंच और लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 1, 2, 3। ओके, तो अब यहाँ पर आ गया दोस्तों 3 फुट और 1, 2, 3 इंच यानी कि 39 इंच, टोटल 39 इंच। और यदि हम फुट को मिलाकर और इंच को मिलाकर बात करते हैं तो 3 फुट और 3 इंच, तो 3 फुट 3 इंच का 1 मीटर होता है आपका, या फिर आप कह सकते हैं कि इंच में डायरेक्ट 39 इंच का 1 फुट होता है। और दोस्तों यदि हम मिलीमीटर की बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका 1000, क्योंकि दोस्तों देखिए 100 सेंटीमीटर है, तो 100 सेंटीमीटर में आपका देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से ये जो लाइन बनी है ये बड़ी वाली, एक ये लाइन और एक ये लाइन दोनों टोटल जुड़ी हुई हैं। दोस्तों यहाँ से 100 सेंटीमीटर हो चुका है आपका। ओके, तो लगभग 100 सेंटीमीटर में आपका 1 मीटर बन जाता है, और 1000 मिलीमीटर में आपका 1 मीटर बन जाता है, और 39 इंच में 1 मीटर बन जाता है, और 3 फुट या 3 फुट 3 इंच में 1 मीटर बन जाता है। दोस्तों तो ये सभी इकाइयाँ हैं, आपको जानकारी होनी चाहिए। ओके, अब दोस्तों यदि आप मापना चाहते हैं तो चलिए मैं आपको इस स्टैंड को ही माप कर दिखा देता हूँ। तो मान चलिए कि हम मुझे यहाँ से और यहाँ की लंबाई नापनी है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसकी लंबाई कितनी है। ये इसकी लंबाई दोस्तों 1 फुट भी नहीं है। ओके, तो इसकी लंबाई दोस्तों 6 इंच लगभग, इस जो ये पाया है, तो यहाँ से हम रखते हैं इसको, इसको इस लोहे को जो है दोस्तों ये लगा हुआ है, तो इसको भी मापा जाता है। तो यहाँ से हम और यहाँ देखते हैं, तो देखिए दोस्तों 1, 2, 3, 4, 5, 6 इंच आ रहा है ना, मतलब इसकी अंदर अंदर की देखिए दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है यानी कि लंबाई है 6 इंच। और दोस्तों यदि हम सेंटीमीटर बात करते हैं तो सेंटीमीटर दोस्तों यहाँ पर ये 10 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर यानी कि 150 सेंटीमीटर है। ओके, तो 150 सेंटीमीटर है। और यहाँ पर दोस्तों यदि हम मिलीमीटर की बात करते हैं तो मिलीमीटर है दोस्तों यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 यानी कि 15 सेंटीमीटर। ओके, तो 15 सेंटीमीटर लगभग 15 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ। और यदि हम मिलीमीटर बात करते हैं तो मिलीमीटर में दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा आपका 150 मिलीमीटर। ओके, यहाँ से यहाँ तक का 150 मिलीमीटर, क्योंकि दोस्तों मिलीमीटर में ज़्यादा होता है, छोटी छोटी संख्या होती है, छोटी छोटी लाइन है, तो मिलीमीटर में 150 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में 15 सेंटीमीटर और इंच में 6 इंच इसकी लंबाई है। ओके दोस्तों, इस तरह से आप माप सकते हैं।
और उसको यदि आप सूत में मापना चाहते हैं तो सूत में भी माप सकते हैं। दोस्तों देखिए, एक इंच में 8 सूत आते हैं तो 6 इंच में 6 48 सूत आ जाएंगे। ओके तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम जरूर बताइए। और दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि दोस्तों सबकी मदद हो सके जो लोग इंची टेप का यूज़ करते हैं और उन्हें देखना नहीं आता है। और दोस्तों, कई ऐसे लोग हैं आपके दोस्त जो कि कहीं ना कहीं काम करते हैं और उन्हें इंची टेप की जरूरत पड़ती है, तो उनकी हेल्प हो सके। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।